हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पराली रोकने में हालांकि हरियाणा सरकार ने कदम सराहनीय उठाए हैं, लेकिन अभी तक पराली वैसे ही जल रही है और दिल्ली जो है गैस चैम्बर बना हुआ। कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और हरियाणा ने पहले भी बहुत सारे कदम उठाए हैं और अगले साल तक हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसान पराली न जलाए। क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? हालांकि जो है सरकार की, पंजाब की अगर बात करें तो वो प्रति एकड़ 25,000 रुपये किसानों को प्रोत्साहन मुआवजा दे रही है, लेकिन हरियाणा की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि काफ़ी कम दिया जा रहा है। मुआवजा देना नहीं है, किसान को पराली का भी लाभकारी मूल्य देना चाहिए और पराली का एंड यूजर तैयार करना चाहिए। जैसे एथेनॉल के प्लांट हैं, उसका भूसा बना के कहीं भेजना है या उसको पैकिंग मटेरियल में यूज़ करना है, उसको कहीं पावर प्लांट में यूज़ करना है, तो उसका एंड यूजर अगर तैयार होगा और किसान को लैब करी मूल्य मिलेगा तो बीच का जो भरपाई करेंगे वो दिखी, इस तरीके से पराली जो है उसका निकलना शुरू हो जाएगा और जलाना किसान बंद कर देगा। लेकिन किसानों का कहना है सर कि अगर सरकार को ये सब करने हैं, प्लांट बनाने या कुछ भी बनाना है, चाहे गत्ता तैयार करना है, खुद आए पराली लेकर जाए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। नहीं, वो पराली का लेके जाने का सिस्टम किसान की, हम कोशिश करेंगे किसान की पराली खेत से ही बिके। जो अभी मुआवजा दिया जा रहा है किसानों को, क्या उसे बढ़ाने की कोशिश करेगी हरियाणा? तो मुआवजा वन टाइम वो है, अरेंजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उनको दे दिया, लेकिन मुआवजा अकेला कोई समाधान नहीं है। मुआवजा लेके पराली ना जलाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्या जिन किसानों के ऊपर केस दर्ज हुआ है, क्या उनके केस वापस लिए जाएंगे? जो पराली आई रहा हूँ सर, केस दर्ज हुआ है, क्या वो वापस लिए जाएंगे? कानून अपना काम करेगा, कानून के जो सरकार जो है, कानून का काम करना, लागू करना सरकार का काम। ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका कहना है कि जो पराली जलाने से प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए किसानों के ऊपर दोष देना या थोप देना बिल्कुल गलत है। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।